हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोलराज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज के व्लॉग में आप लोग सब मायके का ही देखेंगे। जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैं बस मायके से निकल रही थी, लेकिन मतलब पहुंची नहीं थी। इसमें मैं क्या कर रही थी ना, यहाँ पे सरसों अजवाइन और मिर्च का मम्मी को वो दे रही थी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे नज़र वगैरह भी लग गया, क्योंकि ये इतनी स्वस्थ रहती हैं फिर ये बीमार पड़ गई, तो इसीलिए ऐसे लग रहा था कि कुछ मतलब कि कुछ तो नज़र वज़र लग गया होगा। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे नज़र वगैरह उतारा मम्मी का, मम्मी सो रही थी थोड़ा रिलैक्स होके, तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे नज़र वगैरह उतारी जो था उनको ही, पेपर वगैरह को ही जला के, वैसे आग में जलाने से मतलब होता है, तो हर जगह अपना अलग अलग करते। वैसे हम लोग या तो मतलब लोवान वगैरह डाल के करते, अदरवाइज़ तो ये सरसों वगैरह करते, ये जलाते ये मतलब। तो यहाँ पे मैं मम्मी का बस वही कर रही थी। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा खुश है, इसका कपड़ा आ गया। थोड़ा दिखाओ जल्दी से कैसा कपड़ा आया है। लड्डू जी यहाँ अपना नींद पूरा कर रहे हैं, मम्मी को नींद नहीं आ रहा। अब जाके थोड़ा इसमें का ही हम लकी के लिए लिए थे सेम ना। वाह, लड्डू का है वो, लड्डू का छोड़ो। टी शर्ट इतना बड़ा है लड्डू का, तो 26 नंबर है लड्डू के, 22 पहनते हैं। 26 नंबर में कभी भी छोटा ही है। ठीक है, सुंदर कौन किया ऑर्डर, बढ़िया है। अच्छा एक फ्लिपकार्ट से आया है, सचिन भी है के पास। पता नहीं अभी और आएगा। अरे बाबू तो गाइस यहाँ पे मम्मी की तबीयत थोड़ी सी मतलब चक्कर वगैरह बहुत ज्यादा है। लड्डू रो रहा है जाने के लिए। शूज पहनो जल्दी, शूज पहन लो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लड्डू के पापा ऑलरेडी जाके नंबर वगैरह लगा चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं कार से और फटाक से मम्मी को दिखा करके जल्दी से आएंगे। एंड
यहाँ पे कुछ कुछ मेडिसिन है जो मम्मी को ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है, मतलब कि पानी के थ्रू, सलाइन के थ्रू। अब हम लोग निकलते हैं फटाफट से, देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहा है। लड्डू इतना परेशान कर रहा है नानी को, इसलिए को उतना दवाई है ना जी, चक्कर नहीं हो रहा है तो उससे अच्छा डॉक्टर से जाकर दिखा के तभी करेंगे, लेकिन आप लोग चिंता ना कीजिए। अच्छा बाल जी, काले काम पर जाए है, काले चल जाएंगे। हाय नो, कीप इट हियर, गुड बॉय। तो ऐसे भी मम्मी का बीपी जो है बहुत हाई हो गया, 150 हो गया है, और हम लोग वॉच से चेक कर रहे थे बट वॉच एक्यूरेट नहीं बता रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि बीपी इनका हाई है, इस वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी तो ठीक है, थोड़ा मैंने बैठने पे थोड़ा कम चक्कर आ रहा है, सोने पे ज़्यादा आ रहा है। हे एवरीवन, तो अब है करवा चौथ कल, और इसी बीच में मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, तो अभी मेहंदी लगा के आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर करेंगे। मेहंदी कौन लगा रहा है वो तो नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन अभी जल्दी जल्दी मेहंदी लगवाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अभी खाना वाना तो आंटी जी बनाएंगी, मेरे को बनाना है नहीं, तो फटाफट से मेहंदी लगाते हैं। अदरवाइज़ मेरा ये पहला करवा चौथ होगा जिसमें मेहंदी बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर, इसलिए अभी हम गुस्से में मेहंदी लगाने के लिए बुलाए हैं। तो अभी फटाफट से मेहंदी लगाते हैं और फिर मिलते हैं, आपको डिज़ाइन दिखाएंगे, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। सो गाइज, यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है, यहाँ से लगी, लगते 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 इधर तक लगी है, अभी इधर नहीं लगी है, तो इधर का कुछ उपाय करेंगे। और दूसरे हाथ में भी लग रही है, और खाने खाने का टाइम हो चुका है, 9:30 बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और सुबह उठ के सरगी भी खाना है, सरगी में सेवई खाते हैं, लेकिन मेरा मन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेवई तो खाना ही पड़ेगा। हर साल लड्डू के पापा सेवई बनाते थे, इस बार मेरे को खुद बनाना पड़ेगा। मेन बात तो 3 बजे मैं उठ जाऊँ पहले, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी को उधर पानी चढ़ रहा है, तो अभी जाके फिर उनका बॉटल भी चेंज करना है, तो ये एक घंटे में इसको हटाऊँगी भी मैं, ताकि ऐसे हाथ पकड़ के उनका वो निकल पाए, वरना पता नहीं क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों का भी करवा चौथ अच्छा रहा होगा, ये जब व्लॉग जाएगा तो ऑलरेडी करवा चौथ होगा उस दिन, और मे बी पता नहीं कब ये व्लॉग अपलोड होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग हैं मेरे पास, तो उनको एडिट करना हाथ खाली है नहीं, तो एडिट करना होगा, अपलोड करना होगा। तो मिलते हैं, आप लोगों का करवा चौथ आई थिंक हैप्पी एंड सेफ करवा चौथ हुआ होगा। तो बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ, और देखते हैं कि मेरा कपड़ा वपड़ा है नहीं, करवा चौथ में मेहंदी लगा लिया है, क्योंकि इतने हारीनेस में आई थी, कपड़ा दिया था मैंने सिलने के लिए, वो भी मिला नहीं था मुझे, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कपड़ा पहनने के लिए, वरना फिर मेरे को फिर नया खरीदना पड़ेगा, वरना फिर मेरा पुराना जो हैवी है वो यहीं पे, कुछ तो कर ही लेंगे जुगाड़। तो फिलहाल मम्मी का हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो रात में यहाँ तक लग गया था मेहंदी, ये तो पूरा रच गया है, और यहाँ पे भी लग गया था बट इधर नहीं लगवाया, क्योंकि बॉटल वगैरह पकड़ना था, निकालना था। अब जा रहे हैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने, व्लॉग कब जाएगा पता नहीं, मन नहीं कर रहा व्लॉग एडिट करने का ना डालने, तभी जा रहे हैं अपना मेहंदी लगाने। तो आज है इनका बर्थडे, सब लोग हैप्पी हैप्पी बर्थडे जल्दी जल्दी विश कर दीजिए, पीछे ज़्यादा सनलाइट आ रहा है इसलिए ऐसे से आ रहा है। मम्मी आज थोड़ी ठीक है गाइस, मैं रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इनका बॉटल वगैरह मैं चेंज करी थी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम कि हाँ, तो पापा बोल रहे हैं एक घर में डॉक्टर होना चाहिए। और इनका हाथ का भी ये जो था ना प्लग किया हुआ था वो भी निकालना था, वो समझा के गए थे ऐसे ब्लड नहीं आना चाहिए, दिन में निकाल रहे थे तो ब्लड जैसा आ रहा था, बट रात में ट्राई मारे तो हो गया, अब निकल जाएगा। मम्मी बोल रही है ऐसे दाब के ऐसे करके निकाल दो, फटाक से निकाल ले, इंजेक्शन देती थी पहले, बच्चों लोग इंजेक्शन, इसलिए हमको उतना नहीं, एक बार कुछ होता है हम पहले बहुत बर्दाश्त करते हैं, तब जाके लास्ट में हमको कोई तकलीफ होता है, नहीं तो पहले सोचते हैं सॉल्व हो, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।